हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक और शानदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं मैं। टाइटल आपने वीडियो का पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों, अगर आपने भी एसएससी सीएचएसएल 2020 टायर 1 का एग्ज़ाम अभी दिया था रिसेंटली, जो कि आपका 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में हुआ था 2021 में अभी, तो दोस्तों उसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है और मैं आज आपको बताऊंगा आप अपनी आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं खासकर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको आंसर की डाउनलोड करवाने के लिए जगह जगह पे जाना पड़ता है, साइबर कैफ़े पे जाना पड़ता है, फिर वो उनसे चार्ज करते हैं, है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा आप अपने मोबाइल से बहुत ही ईजी तरीके से, एक्सेसिबल तरीके से किस तरह से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया ये वाला, तो कोई इशू नहीं है। आपके नोन में किसी ने दिया होगा या फिर आपका कोई ग्रुप्स होंगे आपके पास, तो आप उन ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो दिव्यांगजन हैं यानी जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो भी सेल्फ डिपेंड यानी अपने आप से ही इस आंसर की को डाउनलोड कर सके, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। दोस्तों, इसके लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक आपका रोल नंबर और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। वो तो चलो होता ही है आपके पास, बट रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में आएगा, उस रोल नंबर को आपको एंटर कहाँ पे करना है और पासवर्ड को कहाँ पे एंटर करना है और आपको किस तरह से अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में बेल आइकन होता है उसको ऑल पे ज़रूर सेट करें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजफुल वीडियो आप सभी को मिल सके। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और आपको सिखा देते हैं किस तरह से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप सभी देख रहे हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको आंसर की यहाँ पे चेक करके दिखाऊँगा या डाउनलोड करके दिखाऊँगा, तो आपको क्या करना होगा, किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक है। आप चाहे क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए, चाहे आप मोज़िला फायरफॉक्स में आ जाइए, चाहे आप जो माइक्रोसॉफ्ट का एच ब्राउज़र होता है उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल क्रोम ब्राउज़र के थ्रू आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आंसर की किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है वो यहाँ पे करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस चैनल पर दोस्तों इस तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, ठीक है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पे जॉब अलर्ट से नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने पहले से ही ऑलरेडी वीडियो भी डाल रखी है जॉब अलर्ट से रिलेटेड, ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, 54% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, सो ऐसा प्लीज़ आप लोग ना करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ और आंसर की किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है वो करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जिस वेबसाइट का मैं यहाँ पे उपयोग करने वाला हूँ उसका नाम है सरकारीरिजल्ट.com, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, उस कमेंट बॉक्स में मैंने इस वेबसाइट को पिन कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एडिट बॉक्स को खोल के सरकारीरिजल्ट.com यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। Our career result.
दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ सरकारी लिखा है, SARKARI, है ना, सरकारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर सजेशन आ जाएगा, सरकारी, सरकारी result.info, सरकारी results latest answer key question paper 2021 sarkariresult.com/answer/key/. देखिए यहाँ पे आपको ऐसे सजेशन मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डॉट इन्फो वाले पे करूँगा, डॉट कॉम आएगा, डॉट कॉम पे भी कर सकते हैं, इन्फो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉट इन्फो वाले पे करूँगा, सरकारी रिजल्ट डॉट इन्फो, इस पर डबल टैप करते हैं हम, अभी मेरे सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं एक बार हम, ओपन का मतलब कि गूगल पे सर्च हो चुकी है। अब इसका यूआरएल देख लेते हैं हम एक बार, search results https://sarkariresults.info/web/results/sarkariresults/latest/jobs/back. तो दोस्तों जहाँ पे https/ बोला ना, वो वेबसाइट का लिंक था पूरा प्रॉपर, है ना। तो ऊपर पहले गूगल का सजेशन मिला था, फिर वेबसाइट के अंदर आ गए, तो अभी फाइनली मेरा वेबसाइट का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो इसी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, डायरेक्ट लिंक दे दिया, ठीक है आपको, ताकि दिक्कत ना आए। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो दोस्तों, मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ मैं आप सभी को, और आप आई होप सो आप सभी इसको पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। 100 लाइक इस वीडियो पे करा दीजिए, मेरा टारगेट है, ठीक है, और मैं काफ़ी मोटिवेट होऊंगा इससे, और इन फ्यूचर इसी तरह के वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले राइट स्वाइप करते करते जाना है, देखिए यहाँ पे मिलता है आपको आंसर की, मैंने डायरेक्ट टच कर लिया है, देखिए मैं आपको स्वाइप करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली आंसर की पे आना है, इस पे डबल टैप करना है। जैसे मैं आंसर की पे डबल टैप करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। Short information, Sarkari results, sarkariresults.info, visit Sarkari results, answer key 2021, answer key, SSCCHSLTRI, answer key 2021. देखिए SSCCHSLTRI, answer key 2021, ठीक है। तो दोस्तों ये 2020 में फॉर्म निकले थे, जिनका अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है, इस पर सिंपली आपको डबल टैप करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ पे ये SSC की वेबसाइट पे डायरेक्टली हमें ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्वाइप कर करके देखेंगे तो ये पूरा डिटेल आपको बताएगा, ये वैकेंसी का नोटिस कब आया था, कब इसके एग्ज़ाम हुए थे, कितनी फीस थी, कितनी वैकेंसी थी, तमाम जानकारी आपको यहाँ पे ये देगा। तो मैं फटाफट स्वाइप करके उस लिंक पे चला जाता हूँ जो मेरा आंसर की वाला लिंक है, ठीक है। Download, click here. देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट स्वाइप करके आ सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा नीचे की तरफ आना होगा, आप चाहें तो दो उंगली से स्क्रॉल करके भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है डाउनलोड आंसर की टीयर वन, है ना, ये देखिए डाउनलोड टीयर आई आंसर की, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा मैं, इस पे डबल टैप करूंगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस पे डबल टैप करता हूँ, मेरे सामने अगला पेज ओपन होके आ जाता है, जो कि SSC वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। तो इस पेज पे आके आपको सिंपली यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, वो मैं अभी डाल के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन किस तरह से मिलेगा वो आपको बताऊँगा। अगर आप ऐसे ही स्वाइप करके जाएंगे तो आपको लॉगिन बटन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं पहले रोल नंबर डालता हूँ, ये देखिए रोल नंबर एज फॉर एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो रोल नंबर है यहाँ पे आपको मेंशन करना है एंटर यूजर आईडी में। Enter user id. ये देखिए इस पे डबल टैप करूंगा, Showing English, India, Q-double action menu, clipboard menu, paste. 22016135 password, as per admission certificate. अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, Capital A, English, India, 65, 60, default, and password, as per admission certificate, enter password, passwords available, since showing digit keyboard, 0, 0, 4, 9, deleted. 1, 9, 7, 7, back. Digit keyboard hidden. तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ,
उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, जैसे हम स्वाइप डाउन या स्वाइप अप करते हैं ना, कैरेक्टर, वर्ड, कंट्रोल, पैराग्राफ, है ना, तो ये सब आता है, तो वहाँ पे आपको लिंक्स पे जाना है, ठीक है। देख लेते हैं, मैं एक बार करके देखता हूँ। कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, स्पीच रेट, डिफॉल्ट, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, डिफॉल्ट, स्पीच रेट, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, डिफॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक ढूंढना है, ठीक है। तो लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ये देखिए लिंक मेरे को मिला यहाँ पे। उसके बाद आपको लॉगिन बटन मिलेगा, ठीक है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे, कैरेक्टर वर्ड कंट्रोल में जो लिंक आता है उसको नहीं करेंगे, तो आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे आप टॉकबैक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो, लिंक आपको करना होगा, तभी आपको लॉगिन बटन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप मुझे कमेंट करके ये ना कहें कि लॉगिन बटन आ ही नहीं रहा। तो चलिए इस पर डबल टैप करूँगा मैं सिंपली। तो दोस्तों जैसे ही मैं लॉगिन पे डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस खुल जाती हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शंस को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको राइट स्वाइप कर करके दिखा देता हूँ, फिर आपको नीचे दिखाऊंगा डाउनलोड का बटन मिलेगा, ठीक है। इसको डिफॉल्ट करते हैं एक बार। इंस्ट्रक्शन स्लैश निर्देश, देखिए इंस्ट्रक्शन स्लैश और निर्देश। Mozilla Firefox version 50, Google Chrome version 50 and above. Important instructions before raising an objection slash. आपत्ति दर्ज करने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फटाफट स्वाइप कर रहा हूँ मैं, आप अपने मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हैं इसको। One, please read the instructions carefully before you start raising your objections. Slash. अपनी आपत्तियों को दर्ज करने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन एसएससी ने गलत कर दिया और आपको डाउट है कि वो क्वेश्चन आपका सही था, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, वो आपको साइटेड पर्सन से करवाना होगा, ठीक है। और फटाफट मैं राइट स्वाइप कर करके आगे चलता हूँ। Question and answer key. Question and answer key. To download your question paper for combined higher secondary 10 plus 2 level examination 2020. To download click. Key, देखिए answer आ गया. Here. यहाँ पे click here है ना? To generate it. Here. To download your question paper here. Here पे जो ये here बोल रहा है ना download के बाद, इस पे आपको simply click करना है, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने मेरी आंसर की दोस्तों पेश हो चुकी है। ये देखिए मेरे सामने मेरी पूरी आंसर की आ चुकी है, 29 पेजों की पीडीएफ है मेरी। हालांकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका था, बट मैंने कहा चलो जो मेरे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं उनको भी ये दिक्कत ना आए, वो किसी और से ना करानी पड़े उनको, तो क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो मैं अभी जिस टाइम बना रहा हूँ, इस टाइम दोस्तों आधी रात हो चुकी है, मैं आधी रात को उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी साथी हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको टॉप राइट में एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, ये देखिए प्रिंट है ना, मोर ऑप्शन के ठीक नीचे। हालांकि अंत की मेरे सामने पेश हो चुके हैं, मैं चाहूँ तो इसे पढ़ सकता हूँ, बट मुझे नहीं पढ़नी है क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ, सिर्फ आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। प्रिंट पर डबल टैप करेंगे, Print dialog. जैसे प्रिंट पे डबल टाइप करते हैं, यहाँ पे आता है प्रिंट डायलॉग, यहाँ पे आएगा सेव एज पीडीएफ, प्रिपेयरिंग प्रीव्यू। अब ये प्रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। Expand printing options panel. Save as PDF. Save as PDF. Summary. Copies 1. Paper size letter. देखिए समरी कॉपी 1. Page 1 of 29 checked. 29 पेज है, ठीक है। Summary. Save as PDF. Save as PDF पे डबल टाइप करना है आपको। Print dialog. Summary. Copy page 1 of 20. Page 2 of 20. Page 1 summary. Save as PDF. Expand. Save as PDF. Print dialog. Save as PDF पे आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे कर्सर आपका थोड़ा सा भी मूव हो गया, expand printing options panel. तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? Printing options panel expanded. Embedded content page 1 of 20, page 2 of 29 checked. Page 4 of 29, page 3 of page 2, page 1 of 20. Embedded content script collapse printing up all 29 pages. None unchecked, none of double sided. Portrait unchecked, orientation. ये देखिए आपको सारा बता रहा है कितने पेज है ना, कैसे कैसे क्या है। Color unchecked, color, color unorient, portrait doubles, none on pages.
Collapse embedded page, page 2 of 20, page 4, page 3, page 4, page 5, page 7 of page 8 of page 9 of page 10, page 12, page 4, page 50, page 60, page 7, page 8, page 20 of page 20, page 27 of page 28, page 29 of save the PDF. पेज आपको यहाँ पे स्वाइप कर करके फटाफट पेजेस पे पार होते जाना है फटाफट, फिर लास्ट में मिलेगा सेव इट पीडीएफ, ठीक है? सेव इट पीडीएफ पर जैसे मैंने डबल टैप किया, मैं आगे देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये मेरे सामने थोड़ा सा प्रिपेयरिंग में टाइम लगाता है, इसलिए टाइम लग रहा था। मेरे सामने जैसे ही मैंने सेव इस पीडीएफ पे किया तो प्रिंट का यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में मेरे को ये ले आया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो किसी इसको फोल्डर में भी रख सकता हूँ, या तो मैं चाहूँ इसको बाहरी पेस्ट करा सकता हूँ। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सीधा डन कर दूंगा। ये देखिए डन मिलेगा मुझे। जैसे ही मैंने इसको डन कर दिया, अब मेरे ये फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में बाहर ही मूव कर दिया गया है, मतलब किसी फोल्डर में नहीं गया, बाहर की तरफ ही मूव कर दिया गया है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। होम दबाऊंगा, माई फाइल में चलेंगे, इंटरनल में चलेंगे, अब मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, सबसे लास्ट में आना आपको, ठीक है? gmail.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 gmail
नाउ। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे पीडीएफ आ गई, इस पर डबल टैप करके ओपन करेंगे, ड्राइव पीडीएफ व्यूअर आएगा उस पर ओपन कर देंगे। फिर अगर आपको किसी को सेंड करनी है तो मोर ऑप्शन लेंगे, सेंड आएगा, सेंड विद व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस पे भी आपको सेंड करना है तो आप बहुत ही इजीली सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। इन फ्यूचर इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बने अगर आपने चेक करा लिए हैं तो SSC CHSL के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।